हो गया ये जो आपको एक सेकंड में दिखा है ना, ये गोल्डन रिट्रीवर, लैब्रा, लैब्रा, शिह ट्ज़ू, फ्रेंच बुलडॉग, इंग्लिश बुलडॉग और अपना कौन सा बीगल है ही हमारे पास। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। चलो भाई पापा कहाँ जा रहे हो? फार्म है ये मुर्गी फार्म, यहाँ पे आज गांव में आए थे, सोचा मिलके चलते हैं एक बार। कल बिजनेस कैसा है ये? बिजनेस ठीक है, बढ़िया ठीक है। हाँ साइड बिजनेस बहुत बढ़िया है उधर, साइड बिजनेस। लो अपा पकड़ दिया, पकड़ दी इसका। हाँ ओके, पकड़ने में क्या दिक्कत है? मतलब ये पूरा फार्म 15,000 की कैपेसिटी का है। हाँ ये पूरा फार्म 15,000 की। अब तो ये बच्चे हैं तो जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बढ़ती जाओगी ना तो ये उधर इनको शिफ्ट होते शिफ्ट होती जाऊंगे। अच्छा अच्छा, उधर दीदी अच्छा, ये इनकी खेत के लिए। हाँ खेत के लिए अभी इनको तो घुमाना के लिए है। अच्छा हाँ, फिर तो खुद घूम गए हैं। सो अभी मैं फार्म पे हूँ, पेडोस्टी फार्म पे। और सबसे पहले तो थैंक यू टू ऑल जिन जिन ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ली है। और भाई ये मेरी गारंटी है कि वो वैल्यू फॉर मनी चीज़ है। जिसको नहीं पता हमने मेंबरशिप ऑप्शन खोल दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं बाकी अपने सब्सक्राइब बटन के साथ में एक ज्वाइन बटन होता है, उस पर क्लिक करो तो आपको आगे सब पता चल जाएगा। सो पहली अपडेट, पानी लग रहा है भाई अपनी घास पे और घास खड़ी हो गई है। ये देखो पास अपना जो एक केज बनवाया था अपने, जो नट बोल्ट वाला था, जो बाहर रखना है यहाँ पे, इसके ऊपर रखा जाएगा एक केज। सो उसके ऊपर हमने प्राइमर मार दिया था। एक्चुअली मेरे पापा ने कहा था कि उन्होंने मार दिया है। सो पापा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपके फार्म पे आपका ही स्वागत है। अपडेट बस ये ग्लव्स डाल के इसको पूरा कर देते हैं। कलर करेंगे इसमें। प्राइमर पापा ने मार दिया था बट एक में ही पूरा लगा हुआ है इसमें, दोनों साइडों पे। सो इसके ऊपर मैं पेंट मारता हूँ, शुरू करता हूँ, और जो बाकियों में एक एक साइड रही हुई है उस पर पापा प्राइमर मार देंगे। और क्या हुआ कि हम ग्लव्स की जोड़ी एक ही लेके आए। सो एक लेफ्ट राइट पापा ने पहन ली, लेफ्ट मैंने पहन ली क्योंकि मुझे ब्लॉग भी बनाना है तो राइट से। सो ये ग्रीन कलर है, बाहर वाले केज पे तो ग्रीन कलर होगा, अंदर वाले पे आप लोग बताओ कि कौन सा कलर सही रहेगा। अभी अंदर वाले के लिए तो लाए नहीं ना पापा कलर। ये सामान आया हुआ है, ये एग्जॉस्ट फैन है और ये एग्जॉस्ट फैन के बाहर का कवर है, और ये अपने दो फैन आ गए पंखे, सीलिंग फैन। ये अपना इंडोर वाला कूलर रखा हुआ है फॉर स्टूडियो, और यहाँ पे आएगा अपना बाहर अपने केजीज वाला जो रूम है, डॉग्स रूम, उसके लिए यहाँ कूलर लगेगा। और जब गर्मी कुछ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कूलर भी काम नहीं करेगा तो वहाँ एसी लग जाएगा, स्टूडियो और ऑफिस में भी एसी लगेगा। सो एक एसी तो अपने घर पे पड़ा है एक्स्ट्रा, एक और ले गया ना, वो ले आएंगे। पापा ने तो काम शुरू कर भी दिया। ये सही है, जल्दी हो जाएगा। पहले पता क्या हुआ, पापा जी ना ब्रश से कर रहे थे, ब्रश से बहुत टाइम लग रहा था। सो अब कपड़े से करेंगे तभी ग्लव्स लेके आए ना। तो प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, मुझे पेंट नहीं करना, मुझे भी पहले प्राइमर ही करना है। तो पहले प्राइमर करके खत्म करते हैं फिर पेंट मार देते हैं। आज मैं काम पूरा करना है पापा, ये चलो फिर पापा उस वाले पे लग गए, मैंने यहाँ रख दिया है। ये दीवार हम इसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, बाद में इस पे कुछ आप लोग आइडिया देना कैसे इसे ठीक करें, है ना पापा जी? कुछ डिजाइन डिजाइन बनवा देंगे इस पे, अभी इस पे ये यूज कर रहे हैं। कर दिया है काम थोड़ा बहुत, बाकी अपना इलेक्ट्रिशियन आ गया तो वो काम कराना भी जरूरी है। बहुत टाइम लगाने के बाद कुछ हुआ है देखता हूँ। प्राइमर तो सब पे लग गया, पेंट भी हो गया एक पल्ले पे, तो पूरा पेंट हो गया, दिखा देता हूँ। देखो भाई इस पे ग्रीन कलर का पेंट हो गया पूरा, और इस साइड से भी हो गया। सो ये कंप्लीट, इसकी अंदर वाली साइड से हो गया ग्रीन, इसके भी अंदर वाली साइड से हो गया, और इसके आधा रह गया क्योंकि मतलब आधा रह गया इसमें, बीच बीच में दिख रहा होगा आपको क्योंकि ना इलेक्ट्रिशियन आ गए, वो काम कराना भी जरूरी है। और ये था जो सबसे पहले इसके प्राइमर लगा था, दोनों साइड ये रह गया, कोई नहीं ये भी कर देंगे। चल रहा भाई इलेक्ट्रिसिटी का काम।
सो गाइज दिस इज डे सेकेंड। इससे पहले वाले आपने क्लिप देखी थी वो डे फर्स्ट की थी जिस टाइम हमने स्टार्ट करते हैं इनको पेंट करना और आज नेक्स्ट डे है। सबसे पहले तो ये गेट बताओ ये कैसा लगा। ये अपने स्टूडियो और ऑफिस का ये बड़ा गेट है। सो ये गेट कैसा लगा पापा आपको कौन सा फेवरेट लगा? ओ अच्छा लगा दोनों अच्छे हैं लेकिन ज्यादा अच्छा वो उसका डिजाइन अच्छा है। इस ये वाला अच्छा लगा पापा को और मुझे भी ये अच्छा लगा था। इसके इसकी वो है नीचे इसका क्या बोलेंगे गद्दा बेस बनाने के लिए कि अगर डॉग्स को बिल्कुल भी इशू ना हो बैठने में। हाँ। ये देखो कितना साफ सुथरा है। ये एक एज एक्सपेरिमेंट है। दो चीज थी हमारे ऑप्शन में, एक तो ट्रे थी है ना पापा जी और एक ये था। तो ये एक बार ये ले आए। ट्रे तो हमने देखी हुई है ना तो ये बिल्कुल इजी बैठेंगे। हाँ। इसमें ये है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है गद्दा गद्दा टाइप बिल्कुल सॉफ्ट है ये इसमें बिल्कुल स्किन में वो नहीं होएगा बिल्कुल। हाँ और इसके अंदर से अगर वो सुसु वगैरह कर दे छोटे बच्चे होते हैं भाई तो वो इसके अंदर से बाहर चला जाएगा तो बाईपास हो जाएगा और जो पोटी वगैरह होगी वो इस पूरे मैट को ही निकाल के रोज सफाई हो जाया करेगी है ना। मतलब गंदगी भी नहीं नीचे भी नहीं गिरेगी ये भी ठीक है। केजी तो खुला हुआ है अभी केज खुला हुआ है देखो आपको थोड़ी देर नहीं 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 थोड़ी देर क्या ये लो ये केजीज हमने कल शुरू करे थे और सारे ग्रीन कर दिए और ये देखो कितनी एक दो और तीन ये लो दोस्तों हो गया। ये जो आपको एक सेकंड में दिखा है ना ये सारे इधर पड़े इधर इधर हुए हैं इनसे पूछो इन दोनों से कितना टाइम लगा भाई कितना टाइम लगा बहुत ज्यादा मतलब फिल्म सुधरी सुधरी दिखे तैयार हो रहा अलग ही चीज है भाई बहुत टाइम लगे बहुत मेहनत लगी है भाई। चलो इसको अब थोड़ा इतना टाइट कर देते हैं कर दो पापा। हाँ देखो पापा के पापा मेरे को बढ़िया सुना रहे थे मोहित बढ़िया तैयार होके आया था और मोहित के भी हाथ ऐसे हो गए। लो इसकी परमानेंट जगह यही है यहाँ से गेट खुलेगा खुलते ही दिखेगा भाइयों मेहनत देखो मेहनत पापा एक मेहनत दिखाइयो देखो मुंह पे पेंट लग गया मेरे फोन पे लग गया। दोस्तों एक आज की वीडियो का टॉपिक और थंबनेल आपने देख ही लिया है क्या है। हम आप लोगों से सजेशन लेना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट ब्रीड कौन सी लेके आए न्यू ब्रीड लेके आनी है न्यू डॉग्स लेके आने हैं। अभी तो एक लाएंगे या दो लाएंगे वो तो आप लोग जैसे सजेस्ट करोगे वैसे ही लाएंगे। पापा से भी बात कराऊंगा बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने मेरी मदद करी थी कि हम नया पेट कौन सा लेके आए सो वैसे ही आज फिर आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम न्यू डॉग ब्रीड कौन सी ले गए। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं सिर्फ यहाँ पे डॉग्स रहेंगे हम गिनी पिग भी लाएंगे रैबिट्स भी ला सकते हैं मतलब ये एनिमल हाउस है तो भाई वो ऑब्वियसली बात है सारे जितने भी पेट के मतलब पेट्स हो सकते हैं वो लगभग हम चीजें रखेंगे। सो आप लोग मुझे सजेशन देते रहो और वो चीजें पक्का पूरी होंगी। कौन सी ब्रीड अपने दिमाग में है दो तीन बताना और जैसे रॉटवाइलर तो है ही है अपने पास। देखो रॉटवाइलर तो अपना है मेन रॉटवाइलर है हमारा। उसके बाद जो हमारे मन में चल रही है एक तो गोल्डन रिट्रीवर ठीक है और एक लेब्रा लेब्राडोर ठीक है इनमें से हालांकि मेरी अगर मैं मान लो मैं मेरी पसंद बताऊं तो मैं चाह रहा हूं कि मैं बिल्कुल जिस तरह मान लो बिल्कुल फैमिलियर डॉग बिल्कुल जो बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से रहे वो है गोल्डन रिट्रीवर। स्मॉल ब्रीड भी हो सकती है जैसे फ्रेंच बुलडॉग होगी है ना और अपने टॉय पॉम हो गए और लेब्रा और गोल्डन रिट्रीवर इसलिए बोल रहे हैं ये वाली ब्रीड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो दो हो जाएगी एक तो अपनी गार्ड डॉग होगी गार्ड ब्रीड होगी अपनी रॉटवाइलर जो अपना मेन है और एक ऐसी डॉग ब्रीड लेके आना चाहते हैं कंपेनियन डॉग ब्रीड जो सब बंदे मतलब वर्ल्ड में नंबर वन है गोल्डन रिट्रीवर एज अ कंपेनियन। वो छोटे छोटा बच्चा कोई भी ले सकता है फर्स्ट टाइम ओनर डॉग ब्रीड लेनी है एक और है ना बेसिक सी बात ये वर्ड सही पकड़ा मैंने फर्स्ट टाइम जो बंदा डॉग रखे सो ऐसी एक डॉग ब्रीड होनी चाहिए। लेब्रा भी बहुत अच्छा है गोल्डन रिट्रीवर भी अच्छा है हम टॉय पॉम भी देख सकते हैं सिज़ू हो गया फ्रेंच बुलडॉग हो गया सो और भी जैसे इंग्लिश बुलडॉग भी अच्छे हैं बट यार वो ना पापा को पसंद नहीं आए सो बहुत सारी सी मैंने डोबरमैन भी सोचा था बट डोबरमैन वही बात हो गया फर्स्ट टाइम ओनर के लिए नहीं है। जर्मन शेफर्ड मैं नहीं रखूंगा क्योंकि भाई हमारे स्कूल में रखे हुए हैं गोल्डन रिट्रीवर लेब्रा सिज़ू फ्रेंच बुलडॉग इंग्लिश बुलडॉग और अपना कौन सा बीगल है ही हमारे पास। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सी डॉग ब्रीड ले बाकी अब घर चलेंगे तो मम्मी से भी पूछते हैं ठीक है। पापा बताओ क्या क्या काम हो गया बहुत सारा काम बहुत सारा काम हो गया। हेलो
क्या कर रही थी मम्मी? हेलो, आज काम वाली आई जब इसको इस रूम में बंद करा के था तोर को, मैं स्कूल से आई जब यहाँ बैठी बैठी रो रही थी, मेरे को देख के ऐसे मैं क्या हो गया, मैं सोचा इसकी सेंड वहां रख रखी है, वह सेंड ले आई मैं, फिर इसका खाना नीचे रखा तो भी म्याऊ म्याऊ जाके मचट गई, क्या हो गया मेरी बच्ची को? प्यार मांग रही थी? प्यार नहीं मांग रही थी, ये कह रही थी कि थोर को निकाल। अच्छा हाँ, फिर मैं बोला थोड़ी काम है, फिर मैंने देखा कुंडी लग रही है, फिर बाहर निकाल लिया, जिसके बाद भी बेड पे बैठ गया, ऐसे सो गई जब तो बस इसका काम पूरा हो गया। ये बता रही थी कि थोर अंदर है। हाँ, थोर की इसको चिंता है पूरी। और मम्मी चलो, मैंने अपने YouTube फैमिली से तो पूछ लिया, आप भी बताओ कौन सा डॉग लेके आए, लैब्रा, गोल्डन रिट्रीवर, फ्रेंच बुलडॉग, इंग्लिश बुलडॉग या सिज्जू? सिज्जू और यो गोल्डन रिट्रीवर। सो दोस्तों, अब आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सी ब्रीड लेके आए, या इसके अलावा और भी कोई कंपेनियन डॉग ब्रीड और जो सी होगी वो कमेंट पॉम में बोल चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ इस प्यारे से नहीं 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 वेट मम्मी, केज, एक केज तैयार करके लगा आए हैं और हम इस खुशी में रसगुल्ले भी, गुलाब जामुन खाए आए। आप भूल गए, अब आप भी खा लेना और आप लोग भी वही अपने अपने घरों में मीठा खा लेना, ठीक है? चलो, सही बात है ना पापा जी? चलो, इसी पहले केज की खुशी में मीठा खा लेना, अपना सेटअप हो गया थोड़ा थोड़ा, तो सारा सेट हो जाएगा तब आप लोगों को, फिर हम चार जने जाके पिकनिक बना के आएंगे, ठीक है पापा जी? चलो भाई, इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके, बाय बाय।